तो गाइजर अभी शिनचैन और मैं करने वाले इस बैंक में रॉबरी। चुपचाप नीचे बैठ जाओ। पहले मुझे सारे के सारे कैमरा तोड़ने पड़ेंगे ताकि ये मेरी शक्ल रिकॉर्ड ना कर ले। और कैमरा कहाँ पे? यहाँ पे भी कैमरा। इनको फटाफट से तोड़ देते हैं। सारे के सारे मैं कैमरा तोड़ दूंगा ताकि किसी को भी पता नहीं चले कि मैंने चोरी करी है। और यहाँ के तो मैंने सारे कैमरा तोड़ दिए, फटाफट से अंदर के भी कैमरा भी तोड़ देते हैं। अरे फेकी भी दीदी बाहर नहीं आ रही। अरे रुक जा शिनचैन, अभी उसको बताता हूँ मैं कौन सी दीदी बाहर नहीं आ रही। अरे फेकी भी जिनके पास चाबी है। अबे बाहर आती की मारू। देख शिनचैन ऐसे बुलाते हैं। एनीवे की मैं तो बहुत ही खतरनाक हूँ। तो गाइस यार अभी इसने खोल दिया ये वाला गेट और अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं लॉकर में जहाँ पे सारे के सारे पैसे होते हैं। चलो दीदी थैंक यू, आपने हमारे लिए मदद कर दी, आप यहाँ से निकलो। तो गाइस यार अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, फटाफट से यहाँ पे अपन ड्रिलिंग करना चालू करते हैं और जो लॉक है उसको तोड़ते हैं और सारा का सारा पैसा अपने बैग में भर लेंगे। फटाफट से ड्रिलिंग करते हैं। अरे यार जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, पुलिस अंदर नहीं आ जाए। एनीवे की मैं बाहर तो बहुत सारी पुलिस आ गई है। क्या पुलिस आ भी गई? अरे इतनी जल्दी कैसे आ गई? जल्दी से मुझे करना पड़ेगा। अबे खुल जा। और ये खुल गया। तो गाइस अभी ये खुल चुका है। फटाफट से लॉकर में से डाल लेते अपने बैग में पैसे। और गाइस मुझे मिल चुके $5 मिलियन। चलो फटाफट से इसको लेके यहाँ से निकलते हैं। अरे विकी में बैठ तो बहुत सारी पुलिस है। अबे शिनचैन तो टेंशन मत ले, अपन यहाँ से निकल जाएंगे। भागो यहाँ से फटाफट से। फ्रैंकलिन हमने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, तुम भागने की कोशिश मत करना। अरे गाइस ये क्या हो गया? यहाँ पे तो इतनी सारी पुलिस आई और इन्होंने हमें पकड़ लिया है। अरे फेकी पे आपने तो बोला था कुछ नहीं होगा, हम तो जेल में आ गए। अरे रुक जा शिनचैन, मैं बात करता हूँ। अरे सुनो इधर आओ। अरे बोले क्या चाहिए? अरे मैं बोल रहा था कि मतलब यार थोड़ा ले दे के मतलब मैं आपको पैसे दे दूँ, आप मुझे छोड़ दे दो। अच्छा मैं समझा, एक काम करो 10 मिलियन दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या 10 मिलियन? क्या हो गया, कम है? ज्यादा दे देना। अरे 10 मिलियन कहाँ से लाऊंगा मैं? अरे तो 10 मिलियन जब आ जाए तब बोलना। तो गाइस यार अभी हम जेल में तो आ ही चुके हैं और अभी हमें जो भी जेल में काम होते हैं वो भी करने पड़ेंगे। तो फटाफट से यहाँ पे चलते हैं। पीछे जो नदी है उसको फटाफट से पूरा का पूरा साफ कर दो, जितना कचरा है उसमें निकाल दो। और हम तुमको देख रहे हैं, अगर भागने की कोशिश करी तो गोली मार दी जाएगी। अरे मेरे को लगा नीचे पानी है, पानी तो उस तरफ था, कहाँ कूद गया मैं। चलो फटाफट से चलते हैं पानी के अंदर। और गाइस यार अभी मुझे यहाँ से सारा सारा कचरा निकालना है। इस देख सकते हो इस नदी में कितना सारा कचरा हो रखा है, इसको मुझे सारा कचरा बाहर निकालना है यार। तो गाइस फटाफट सारा कचरा बाहर निकालते हैं। अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमें खाना नहीं मिलेगा और मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता क्योंकि सारे के सारे प्रिजनर गार्ड के पास यार बंदूक है, अगर उन्होंने देख लिया तो सीधा गोली मार देंगे। तो फटाफट से ये कचरा मैंने निकाल दिया, यहाँ पे रख दिया और कचरा ढूंढने चलते पानी के अंदर। तो गाइस यार यहाँ पे तो बहुत सारी मछलियां भी, यार देखो कितनी सारी मछलियां घूम रही, लगता है इसलिए कचरा डर है। एक सेकेंड ये क्या हो रहा है? अब लगता है कोई मछली मर रही है, मुझे उसको बचाना पड़ेगा। अरे नहीं एक सेकेंड, ये कौन सा धुएं? अभी यहाँ पे तो एक मूर्ति पड़ी है, ये कौन सी मूर्ति है? अरे रुको उसको मैं बाहर लेके जाता हूँ। तो गाइस यार हमें कोई तो मूर्ति मिल चुकी है, इसको मैंने अभी जेब में डाल लिया। फटाफट से बाहर चल के देखते हैं कौन सी मूर्ति है, कोई अलग तरीके लग रही थी। तो गाइस यार अभी इस मूर्ति को मैंने पत्थर पे रख दिया और कोई भी गार्ड मेरे पास आसपास है नहीं, तो फटाफट से देख लेते इस मूर्ति में क्या है। बच्चे मैं हूँ एक जादुई मूर्ति, अगर तेरे को कुछ भी चाहिए अपने जीवन में तो तू मुझसे मांग और मैं तुझे ला के दूंगा। अरे कैसे सही में होगा? हाँ सही में होगा, जो चाहिए तुझे बोल दे। हाँ मैं बताता हूँ, मुझे $10 मिलियन चाहिए अभी ले। अरे रुको मैं गार्ड को बुला के लाता हूँ। अरे गार्ड अंकल आपने बोला था ना अगर मैं आपको 10 मिलियन दूंगा तो आप मुझे छोड़ दोगे, ये लो आपके 10 मिलियन। अरे क्या ये सही में 10 मिलियन है? अरे हाँ 5 मिलियन उसमें, 5 मिलियन उसमें, अब मैं जाऊँ ना? अच्छा ठीक है चले जा। अरे थैंक यू अंकल, और शिनचैन को भी भेज देना घर पे। अरे हाँ मैं घर पहुँचा दूंगा, तू टेंशन मत ले। तो गाइजर अभी हम यहाँ से फ्री हो चुके, चलो यहाँ से भाग जाते हैं सीधा अपने घर पे। तो गाइजर हम आ चुके अपने घर पर, शिनचैन भी आ चुका है। अरे वेकी भाई ये सब कैसे हो गए, हम जेल में से कैसे निकल गए? अबे शिनचैन ये सब इस जादुई मूर्ति ने किया, मैंने जादुई मूर्ति से 10 मिलियन मांगे और उसने मुझे 10 मिलियन दे दिए। अरे वेकी भाई क्या सही में जादुई मूर्ति है? अरे अभी रुक जा, जादुई मूर्ति मुझे बहुत अच्छे कपड़े पहना दे। ये देख शिनचैन ये कितना खतरनाक है। अरे वेकी भाई तो सही में बहुत ही खतरनाक है। अरे मैंने बोला था ना यार गाइजर ये जादुई मूर्ति तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। अरे वेकी भाई हमारे पास तो कहीं चलने के लिए गाड़ी नहीं है। अरे रुक जा मैं कुछ करता हूँ, ए जादुई मूर्ति कोई अच्छी सी कार दिला दे। तो गाइजर हमारे पास आ चुकी है ये बहुत ही ज्यादा मस्त सी कार, ये देखो भाई कितनी ज्यादा तगड़ी है। चलो फटाफट से अभी हम जाने वाले मस्त सी शॉपिंग पे इस जादुई मूर्ति के साथ।
तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी गाड़ियों की डिलीवरी लेने साइमन के पास। क्या हमारी गाड़ियां तैयार हैं? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है, ये देखो आपकी गाड़ियां। तो गाइस ये है मेरी और शिनचैन की गाड़ी, ये ब्लैक वाली शिनचैन ने मंगवाई थी और ये ऑरेंज वाली मैंने। तो गाइस इनकी फटाफट से पेमेंट कर देते शिनचैन। अरे विकी मैं रुको रुको, अरे जादुई मूर्ति फटाफट से मुझे 50 मिलियन दे दे। तो गाइस अभी हमने कर दिए साइमन की पेमेंट और ये गाड़ियां हो चुकी है हमारी। अभी आपको दिखाता हूँ ये कितनी ज्यादा तगड़ी गाड़ी है, इसमें मस्त मस्त लाइट जलती है। तो फटाफट से यहाँ से लेके चलते। तो गाइस अभी यार शिनचैन और मैंने डिसाइड किया, हमने उस जादुई मूर्ति को बोला है कि एक बहुत ही बड़ा वाला घर चाहिए हमें। तो गाइस अभी देखते हैं हमें कौन सा घर मिलने वाला है और उस घर तक अभी शिनचैन और मैं रेस करने वाले। तो शिनचैन तू तैयार है ना? अरे बेकी मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तो 3, 2, 1 गो। अरे बेकी मैं अब तो पीछे रह गई। अरे ये शिनचैन कितनी तेज चला रहा है, अरे मुझे भगानी पड़ेगी फुल स्पीड में। तो गाइस अभी मेरे को कैसे भी करके ये रेस जीतनी। बाय बाय शिनचैन। अरे बेकी मैं ऊपर से कैसे निकल गई? अरे पता नहीं कैसे शिनचैन के ऊपर से निकल गया। ये वाली रेस तो मैं ही जीत के रहूंगा, हमारे नए वाले घर तक ये रेस। और ये शिनचैन जस्ट मेरे पीछे आ ही जा रहा है। विकी पे मैं आपसे आगे चले जाऊंगा। अरे आजा आजा डरता हूँ कि मैं। और अभी टनल में जा चुके हैं और ये क्या सामने डे बचाओ मेरे को। अरे विकी पे कहाँ जा रही हूँ? अभी ये भी कूद गया क्या? अरे ये शिनचैन मेरे पीछे कहाँ से आ गया, ये तो शॉर्टकट था। अरे विकी पे मैं तो आपके पीछे पीछे आऊंगा। तो गाइस मैं पहुंचने वाला हूँ हमारे नए वाले घर पर, शिनचैन तो मुझे पीछे देख भी नहीं रहा। और गाइस मैं आ चुका हूँ ये हमारे नए नए घर में जिसका नंबर है 101। तो गाइस फटाफट से इसके अंदर चलते। शिनचैन आ तो नहीं गया पहले से? नहीं नहीं आया। तो गाइस मैं जीत चुका हूँ ये रेस, शिनचैन से मैं जीत चुका हूँ। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे नए नए घर में। अभी आपको दिखाता हूँ सबसे तगड़ी चीज, यहाँ पे हमारे पास इतने सारे गैराज है। ये देखो भाई हर गैराज में एक एक गाड़ी पड़ी है। तो पहले तो मैं अपनी यहाँ पे गाड़ी खड़ी देता हूँ ये वाले गैराज में और आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा घर हमारा कितना ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस पहले चलते हैं इस वाले गैराज में। यहाँ पे देखो यार दो दो मस्त मस्त कारें खड़ी है और इस वाले गैराज में अभी अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। और ये है तीसरा और चौथा, इस तीसरे कार में रोल्स रॉयस खड़ी है दो दो और चौथे वाले में है ये स्पोर्ट्स कार। और यहाँ पे यार चार गैराज बने हुए और सामने भी चार गैराज बने हुए। तो आपको दिखाता हूँ उनमें कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी है। तो पहले में देख लेते हैं फटाफट से चल के कौन सी गाड़ी है। और ये हमारी दो तगड़ी वाली सुपर कार्स खड़ी है यहाँ पे और इसके अंदर देखते हैं कौन सी गाड़ी है। और ये हमारी ऑफ रोडिंग की है, जब हमको माउंटेन राइड्स पे जाना होगा तो यहाँ से अपन गाड़ी ले लेंगे। और यहाँ पे एक दो एसयूवीज खड़ी है जो यार रोड पे चलाने में बहुत ही मजा आता है। और ये एक खाली गैराज जहाँ पे अभी हमारी और जो गाड़ी आने वाली वो हम खड़ी करेंगे। तो गाइस आपको लेके चलता हूँ हमारे घर के अंदर। अरे विकी पे मैं आ गया। तो गाइस ये शिनचैन भी इतना लेट आ चुका है। और गाइस यहाँ से हमारे घर की एंट्रेंस, तो फटाफट से चलते सीधा घर के अंदर। और ये हमारा गेट खुल चुका है और हम आ चुके हैं हमारे नए नए घर के अंदर। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बता दो हमारा घर आपको कैसे लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इस किचन से। तो ये है हमारा इतना ज्यादा बड़ा वाला किचन और यहाँ पे बहुत सारा हमने एरिया खाली कर रखा। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल और यार बाहर स्विमिंग पूल भी है बड़ा सा। और यहाँ पे मस्त सा सोफा लगा हुआ, बड़ी सी टीवी भी लगी हुई है। यहाँ से व्यू भी लॉस सैंटोस का बहुत ही ज्यादा मस्त आता है। आपको दिखाता हूँ स्विमिंग पूल। तो गाइस ये देख सकते हो, ये है हमारा स्विमिंग पूल एरिया, बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला स्विमिंग पूल इधर है। और यहाँ से चलते हैं हम अंदर, ये रहा हमारा पूल टेबल। और सामने यहाँ पे देखो भाई एक और डाइनिंग टेबल जैसा कुछ बना रखा है। यहाँ पे मस्त सा सोफा पड़ा है, मतलब नीचे वाला फ्लोर तो बहुत ही ज्यादा मस्त बना रखा है। और यहाँ से लॉस सैंटोस के व्यू तो वैसे ही बहुत ज्यादा मस्त है। और अभी हम आ चुके हैं यार ऊपर वाले फ्लोर पे, ये है हमारा ऑफिस रूम जहाँ पे लॉस सैंटोस का बहुत ही बड़ा सा मैप पड़ा है। यहाँ पे एक टीवी पड़ा है और सामने है लॉस सैंटोस का मस्त व्यू। और यहाँ से हम डायरेक्ट स्विमिंग पूल में भी जंप मार सकते हैं, बता दो कैसे। तो गाइस अभी हम आ गए अपने यार बेडरूम में, ये है हमारा बेडरूम का एंट्रेंस। यहाँ पे हमारे सारे सारे कपड़े पड़े और ये रहा हमारा बड़ा सा बेड। और यहाँ से भी यार मतलब हर जगह से देखो भाई कांच लगे हुए जहाँ पे पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को हम देख सकते हैं। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बता दो हमारा घर आपको कैसा लगा। और ये वाली गाड़ी जो यार थोड़े दिनों पहले ही मेरे पास आई है, ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा मस्त है। आप देख सकते हो इसका इंटीरियर भी बहुत ज्यादा मस्त है। तो थोड़ी सी यार राइड मार के आते हैं। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बता दो हमारा घर कैसा लगा, हमारी गाड़ियां कारी कैसी लगी और हमारा गैराज कैसा लगा, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देना। और उस मूर्ति से हम और क्या क्या चीजें मांगे वो भी मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि वो मूर्ति तो अब हमारी हो चुकी है। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से जाके कमेंट में बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके जाना फॉलो कर लेना। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।